केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मरीजों की गंभीर हालत बनी हुई है। एक तरफ बीमारी से जूझते मरीज और दूसरी तरफ आठवीं मंजिल पर तपती गर्मी में पंखे तक का इंतजाम नहीं किया गया है। थक हार कर मरीजों ने अपने अपने टेबल फैन खरीद कर लगाए, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन से बार बार गुहार लगाने का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इलाज के नाम पर मरीजों को ना तो कोई शुरुआती ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ना ही उनकी कोई सुध ली जा रही है। ऐसे ही एक मरीज के साथ मौजूद उनके परिवारजन ने हमें ये वीडियो बनाकर भेजा और मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली को कोसने वाली केंद्र सरकार हर राज्य में फेल है और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इंतजाम को अपना बताकर अब तक सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करती आई है। आइए जानते हैं जमीनी हकीकत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की। यह है सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल, जिसमें मरीजों के परिवार ने स्वयं की व्यवस्था की है, अपने टेबल फैन लेके, जिससे मरीजों को हवा मिल रही है। बाकी सरकार की तरफ से कोई पंखा नहीं चलाने दिया जाता है, कोई एसी नहीं चलाने दी जाती है। ये मरीज बड़ा दुखी हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, और सरकार से निवेदन है कि सरकार इन मरीजों के लिए जल्द से जल्द अलग शिफ्ट करने की व्यवस्था करे, या ये ऊपर लगी हुई एसी कमरों में इनको चलवाने का प्रयास करें, जिससे मरीजों को सुविधा प्राप्त हो। ये सफदरजंग आपातकालीन बिल्डिंग फ्लैट नंबर मंजिल आठ पर ये मरीज पड़े हुए हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। 8 वार्ड नंबर 13 और 832 नंबर बिल्डिंग है। यहाँ कोई मरीजों की सुनवाई नहीं हो रही है, केवल दवा गोली थोड़ी बहुत मिल जाती है सुबह शाम, ऐसे ही काम चल रहा है। ये भाजपा की केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हैं, जो केजरीवाल को आए दिन कोसते रहते हैं और दिल्ली की राज्य सरकार को कोसते, अपनी व्यवस्था को नहीं देखते हैं। धन्यवाद भाइयों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बीजेपी पार्टी की सच्चाई को बताएं। ये दिल्ली नगर है।